बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा यम्मी सा ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी बन जाता है और बनाना बहुत ही आसान है। और ये इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन के रेडी हो जाता है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। और साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, और मज़े मज़े की रेसिपीज इंजॉय करने के लिए मेरे चैनल को देखते रहें, विज़िट करते रहें, बहुत सी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखें, एक बाउल में मैंने ले लिए हैं 3 eggs, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज बारीक चॉप किया हुआ। एक छोटा सा प्याज मैंने लिया था, उसको चॉप कर लिया है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और हाफ टमाटर मैंने लिया है, उसको बारीक चॉप कर लिया है, और 2 हरी मिर्चें, इनको हमने अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। और हरा धनिया ऐड करेंगे, इसके साथ खुशबू, टेस्ट और कलरफुल भी हो जाएगा। तो हरा धनिया ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे थोड़ी सी, साबुत जीरा हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हमने इनको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसको बनाने की तरफ चलते हैं। ये देखिए, एक पैन में मैंने ये कुकिंग ऑयल डाल के गर्म कर लिया है, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है। ये देखिए, कुकिंग ऑयल मैंने मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया है, फ्लेम हमने ज़्यादा हाई नहीं करनी, मीडियम ही रखनी है, मीडियम टू लो रखेंगे। और ये हमने सारा बैटर जो है इसके अंदर डाल दिया है पैन के अंदर, और अब हम इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। पूरे पैन को हमने कवर कर लेना है। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्रेकफास्ट बनता है। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, और ये काफ़ी हेल्दी भी हो जाता है क्योंकि एग्स जो हैं वो ज़्यादा जा रहे हैं इसमें। तो अब मैं इसमें रखूँगी ब्रेड 2 स्लाइसेस इस तरह से। थोड़ा सा 30 सेकेंड होने के बाद हमने जो ब्रेड की साइड है वो चेंज कर देनी है। जैसे ये थोड़ा सा, ये देखें, जो अंडे का बैटर था वो ब्रेड को अच्छी तरह से लग गया है, तो हमने ब्रेड की जो साइड है वो चेंज कर दी। और अब हमने इस तरह से ऊपर से प्रेस कर लेना है। देखें, और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको कुक होने के लिए रख देना है। जैसे ही ये एक साइड से अच्छी तरह कुक हो जाएगा तो हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेंगे। ये देखें, मैंने इसकी साइड चेंज कर ली है, और 1 से 2 मिनट में ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह कुक हो जाएगा। और अब जो ब्रेड के साइडों पे अंडा था वो हमने इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे ब्रेड के ऊपर, और इसको हम इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। और ये देखें, प्रेस करेंगे ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर सी बन जाए। अब हम इसको निकाल लेंगे। सैंडविच जो है, अंडा ब्रेड जो है हमारा रेडी हो चुका है, बिल्कुल एक सैंडविच की तरह ये बन गया है। ये देखें, दरमियान में से हमने इसको कट कर लेना है, और ज़बरदस्त सा हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।